मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब पूर्व सीएम एवं भाजपा मुख्यमंत्री चेहरा प्रेम कुमार धूमल अपने निवास स्थान समीरपुर में दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। दिन के समय पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता और लोग मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, जिनमें पूरे प्रदेश की फीडबैक भी मिल रही है। समीरपुर में अपने निवास स्थान पर धूमल ने प्रदेश की जनता का भाजपा को मतदान में दिए गए प्यार पर भी आभार व्यक्त किया। धूमल ने वीरभद्र के उस बयान पर भी कड़ी टिप्पणी की, जिस पर वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के मिशन 60+ को मुंगेरी लाल के सपने बताया। धूमल ने कहा कि जनता का प्रेम बीजेपी के लिए है और वीरभद्र जी स्वाभाविक ही ऐसे सोचेंगे। धूमल ने कहा कि हर किसी को अपना सपना सच्चा लगता है और दूसरों का सपना मुंगेरी लाल का लगता है। धूमल ने कहा कि वीरभद्र सिंह को आईना तो 18 दिसम्बर को नजर आएगा। लेकिन जब तक चुनाव परिणाम नहीं आता, हर किसी पार्टी में हर किसी कार्यकर्ता के माध्यम से जो फीडबैक आता है वो पॉजिटिव ही आता है। कुल मिला के असेसमेंट हमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत रही है और इस बार एक नया इतिहास जीत का दर्ज करेगी। बीजेपी वाले सोचते उनके सपने ऐसे होंगे, स्वाभाविक है राजनीति में हर किसी को जो चुनाव लड़ता है अपनी जीत की आशा होती है। मुख्यमंत्री के अपने बारे में सोचने का अधिकार है, हमारे लोगों को अपने बारे में सोचने का अधिकार है। लोकतंत्र में उन बातों पर कोई झगड़ा नहीं, चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, परिणाम सबको अपनी हकीकत दिखा देंगे। आईना तो 18 दिसंबर को नजर आएगा। हमारा इम्प्रेशन ये है कि प्रेम बीजेपी में है तो प्रेम के कारण प्रेम को वोट मिला है और देखते हैं किसका सत्य निकलता है। लगातार हजारों कार्यकर्ता प्रतिदिन चले हुए कल से, लोग मिल रहे हैं तो बोलना तो फिर भी पड़ता है, जो आते हैं उनसे बात तो करनी होती है। तो डॉक्टर का कहना है कि गले को रेस्ट होनी चाहिए, वो तो धन्यवाद हूँ गले का भी कि इसने चुनाव तक ठीक साथ निभाया, कल सवेरे से खराब हुआ है, आशा है एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। जनता का प्रेम ही सारी हमारी शक्ति का साधन होता है, इसके स्रोत भी वही है। जनता के प्रेम के कारण ही ये शक्ति मिलती है कि हम लगातार चलते रहते हैं, लगातार चर्चा करते रहते हैं। धूमल ने हमीरपुर गांधी चौक पर महात्मा गांधी की मूर्ति से छेड़छाड़ पर निंदा व्यक्त की और कहा कि ऐसी इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों को जल्द पकड़ना चाहिए ताकि आगे के लिए घटनाओं पर विराम लग सके। निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक घटना घटी है। पिछली बार तो एक भूत नीचे था, इस बार तो महात्मा गांधी की मूर्ति को स्थापित किया गया था। समाज विरोधी तत्वों के हौसले कितने बढ़ गए हैं कि वो ऊपर की मंजिल पर जाकर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। पुलिस को चाहिए तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी अपमानजनक घटना ना कर सके। राष्ट्रपिता सब के पूज्य हैं, उनका अपमान हम सब का अपमान। मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को भी पुलिस को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए ताकि जिस पर शंका हो उसका पता लग जाए।